3, 2, 1. अरे नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस यूट्यूब चैनल से, और मैं करता हूं लाइव स्ट्रीम आप लोगों के लिए अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस यूट्यूब चैनल पे हर रात 10 बजे। जी हां, हर रात 10 बजे 2 से 2.5 घंटे की हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, जिसमें 100, 200, 250 लोग जुड़ते हैं लाइव, और हजारों के तादाद पे आप लोग हमें व्यूज देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम करते हैं, और साथ ही साथ लेते हैं आपके स्टॉक्स के रिव्यू। आपके स्टॉक्स को लेकर के आप फंडामेंटल चेक, टेक्निकल चेक जो भी कराना चाहते हैं वो हम करते हैं, और फिर हम रिव्यूज के अनुसार एक जेन्युइन अपनी निजी राय यानी पर्सनल ओपिनियन देते हैं कि क्या है स्टॉक रॉकस्टार, क्या है स्टॉक गुड स्टॉक है, रॉकस्टार है, अवॉइडेबल है, या शिट स्टॉक है, मतलब कूड़ा स्टॉक है। जनहित में ये हमारी लाइव स्ट्रीम्स चलती हैं, जहां आप जेन्युइनली स्टॉक को लेकर के एक हमारी निजी राय ले सकते हैं कि स्टॉक में क्या है दम या स्टॉक में नहीं है दम। जो सबसे दमदार बढ़िया स्टॉक्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जो खूब तेज भाग सकते हैं और जो अच्छा कर रहे हैं और फ्यूचर में नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं रॉक स्टार स्टॉक्स। जी हाँ, डेली लाइव स्ट्रीम पे 3, 4, 5 ऐसे रॉक स्टार स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम गुड स्टॉक्स की एक कैटेगरी रखते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, रॉक स्टार तो नहीं है, उनसे थोड़े कम है लेकिन अच्छे हैं, देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। और साथ ही साथ फिर हम रखते हैं अवॉइडेबल स्टॉक्स, किन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, और फिर हम रखते हैं शिट स्टॉक्स, यानी जो बिल्कुल कूड़ा स्टॉक्स है, स्पेकुलेटिव स्टॉक्स है, या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद कर देंगे, वो एक अलग कैटेगरी रखते हैं। तो इसी को लेकर के आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारे पिछले 5, 8, 10 लाइव स्ट्रीम्स में, ठीक है, जो अब तक के 23 यानी 23 रॉकस्टार स्टॉक्स की हमारी लिस्ट सामने आई है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जनहित में मैं उसको लिस्ट आउट करना चाहता हूँ। बाकी आप लोग ध्यान रखें कि जो भी हम यहाँ बात करते हैं अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस यूट्यूब चैनल पे, वो हमारी निजी राय होती है। हमारा डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर सेबी का जोर से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा है कैसे हम सेबी के कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट या रजिस्टर्ड या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। हम सेबी का एक इम्तिहान दे के, उनका लाइसेंस प्राप्त करके, फिर आप लोगों से मोटी फीस लेकर के टिप एडवाइस वगैरह नहीं देते हैं, ना हमारा कोई इंटेंशन है ऐसा देना। हम जो भी यहाँ एक्सप्रेस करते हैं अपनी निजी राय है, हमारे 20 साल के स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस को लेकर के ये निजी राय हमारी बनती है, जितना हमने सीखा है पिछले 20 साल में। तो अब बिना समय नष्ट किए सीधे काम की बात पे आ जाते हैं। ये 23 रॉकस्टार स्टॉक्स यानी 23 रॉकस्टार स्टॉक्स, दे आर एज फॉलोज। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया, जी हाँ, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया, वॉकहार्ट, एसईपीसी लिमिटेड, बॉन्डाडा इंजीनियरिंग, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सन फार्मा, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, वेबसॉल इनर्जी सिस्टम्स, शक्ति पाइप्स, IIFL Securities, Bajaj FinServ, Authum Investment and Infra, Morpan Labs, Associated Alcohol Breweries,
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, CDSL, CDSL, हुडको, जी हाँ हुडको, NBCC, NBCC, शारदा एनर्जी, शारदा एनर्जी, एंड आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट CSEC, जी हाँ CSEC। तो ये हो गए हमारे 23 रॉकस्टार स्टॉक्स जो अब तक की हमारी 8-10 लाइव स्ट्रीम्स का निचोड़ निकाल के आए हैं। हर लाइव स्ट्रीम हमारी 2 से 2.5 घंटे की होती है, तो लगभग आप समझ ही सकते हैं करीब 25 घंटे की लाइव स्ट्रीम्स के निचोड़ में ये 23 हमारे रॉकस्टार स्टॉक्स निकल के आए हैं जो कि फंडामेंटली नियर परफेक्ट हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स परफॉर्मेंस वाइज नियर परफेक्ट हैं और जिनके चार्ट्स एक रेजिंग बुल की तरह दौड़ रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट है। इन सभी 23 स्टॉक्स को मेरी निजी राय है कि आज से लेकर के अगले 6 महीने तक एंड उसके आगे भी लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के लिए 2028 तक के लिए भी अंटिल द मार्केट क्रैश आए, बड़ा वाला जो क्रैश आता है ना हर 7-7.5 साल में जिसमें 70% मार्केट गिर जाती है, तब तक के लिए जब तक वो क्रैश ना आए आप अगर इन स्टॉक्सों में इनको आप कंसिडर करें। देखिए हम ये तो नहीं कह सकते जाके खरीद लीजिए क्योंकि सभी हमें अलाउ नहीं करता है ऐसा कहना, लेकिन इनको आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद अपनी सोच बूझ से आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कंसिडर कर सकते हैं, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, नॉट अ टिप, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनको हमने जांचा है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं इनके, इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, ठीक है, और ये सब अपवर्ड मूवमेंट में है, चार्ट्स इनके अच्छे हैं, यानी बुल दौड़ रही है, दौड़ लगा रही है, साथ ही साथ बुल की जो हेल्थ है, हाँ फंडामेंटली हेल्थ जो है उसकी वो भी अच्छी है, स्टैमिना भी बुल का अच्छा है, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस अनुपम लाइव लाइव स्ट्रीम से हर रात 10 बजे आप जुड़ा करें, जनहित में हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, आपसे एक रुपया लिया नहीं जाता है, ठीक है। स्पेकुलेटिव स्टॉक्स जैसे पेनी स्टॉक्स को हम डिस्करेज करते हैं, ट्रेडिंग हम एक्टिवली डिस्करेज करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम एक्टिवली डिस्करेज करते हैं, बिटकॉइन जैसा कचरा इंडिया में हम डिस्करेज करते हैं, और हम एंकरेज करते हैं दबा के जोर से खुले में डंके की चोट पे, तो वो है लॉन्ग टर्म निवेश, जी हाँ यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारा मानना है स्टॉक मार्केट्स में लाखों ही नहीं, करोड़ों ही नहीं, अरबों ही नहीं आप कमा सकते, उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है लॉन्ग टर्म निवेश करना। ट्रेडिंग करेंगे सब जुआ है खत्म हो जाएगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करेंगे लेवरेज लेके सब जुआ है, घर भी बिक जाएगा आपका, ठीक है। बिटकॉइन इंडिया में बिल्कुल शिट है, ठीक है, एंड ये आप अगर पेनी स्टॉक्स का खेला, पेनी स्टॉक्स में आप खेलेंगे, ठीक है, जो छोटे छोटे स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं तो उनमें खेला हो जाएगा, ऑपरेटर लोग आपके साथ खेला कर देंगे, आप जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में जिनके चार्ट्स भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, वैसे स्टॉक्स आपको 6 महीने से साल, 2 साल और अगली मार्केट के क्रैश तक अगर उनमें आप लगातार निवेश करते रहते हैं, हमारे जो कैटेगरी स्टॉक्स जिनको हम देते हैं रॉकस्टार स्टॉक्स हम कहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फायदा में रहेंगे, बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, नींद भी आपकी रात में अच्छी आएगी, यू विल डू वेरी वेल, आपका एवरेज कैगर 24-25% कैगर पे ग्रो करेगा, और बुल मार्केट में जो अभी बूम मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट इस बुल रन में तो आप 100-125% भी एनुअली अचीव कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ना हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ना हम सभी के रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो एग्जाम पास करके लाइसेंस लेके आप लोगों से मोटी फीस लेकर के फिर आपको टिप दे, सब यहाँ फ्री है, जनहित में है, एजुकेशन फॉर ऑल इन्वेस्टर्स,
हमारा प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं सभी इन्वेस्टर्स अपने को एजुकेट करें, अपने स्टॉक्स को लेकर के, डाउट्स को लेकर के स्टॉक्स के रिव्यू कराएं, ठीक है, और फिर सूझबूझ से अपना हार्ड अर्न पैसा निवेश करें। क्योंकि देखिए, आपका पैसा है, आपकी रिस्क है, ठीक है, हमेशा सूझबूझ से अगर एक वेल इन्फॉर्म्ड, एडुकेटेड, नॉलेजेबल डिसीजन आप लेते हैं तो वो बेटर होगा, एज अपोज टू कि बस आपने तीर मार दी अंधेरे में या किसी की टिप सुन के बस आपने चला दिया तीर। ऐसा हमें नहीं करना है। तो जुड़िए हर रात 10 बजे अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस यूट्यूब चैनल पे, अनुपम लाइव स्ट्रीम पे, और अपने स्टॉक्स को रिव्यू कराइए, अपने क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन में अपने डाउट्स को क्लियर करिए। मिलते हैं आज लाइव स्ट्रीम में रात 10 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।